हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल द पेरेंट्स कनेक्शन में। तो दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं के हैब्बर के बारे में। ठीक है दोस्तों, के हैब्बर जो थे यह एक समकालीन आधुनिक कलाकार हैं। ठीक है दोस्तों, जो यह आते हैं आपके किस उसके स्कूल के अंतर्गत दोस्तों, यह आते हैं तो दोस्तों ये मुंबई कलाकार के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, मुंबई के कलाकार के अंतर्गत आते हैं दोस्तों। इनका नाम, पूरा नाम क्या है ये पूछ लेता है एग्ज़ाम्स में, KVS NBS में। ठीक है, तो इनका जो पूरा नाम है दोस्तों, जो पूरा इनका नाम क्या है, कटिंगेरी कृष्ण हैबर। ठीक है, कटिंगेरी कृष्ण हैबर इनका पूरा नाम है। ठीक है, के हैबर का जन्म दोस्तों कब हुआ था, इनका जन्म हुआ था 15 जून 1912 को दक्षिणी कन्नड़ के एक छोटे से गाँव में कटिंगेरी में हुआ था दोस्तों। इनका बाल्यकाल गांव में ही व्यतीत हुआ और गांव के सुंदर प्राकृतिक दृश्य, उत्सव, नाटकों आदि का इन्होंने अनुभव किया था। ठीक है, चलते हैं अगले पॉइंट की तरफ। अगला पॉइंट हमारा क्या कह रहा है दोस्तों, इनकी शिक्षा कहाँ हुई थी तो दोस्तों, इनकी जो प्रारंभिक शिक्षा हुई थी वो गाँव में ही हुई थी और गाँव के उत्सव आदि में चित्रकारी के लिए जाते थे और प्रशंसा प्राप्त करते थे। ठीक है, तो दोस्तों इनकी जो प्रारंभिक शिक्षा हुई थी आपको बता दे रहे हैं, उस स्कूल का नाम क्या था दोस्तों, मैसूर के राजेंद्र तकनीकी स्कूल से उन्होंने शिक्षा प्राप्त की थी। क्या नाम था, राजेंद्र तकनीकी स्कूल से। ठीक है, इन्होंने शिक्षा प्राप्त की थी। ठीक है, और दोस्तों फिर उसके बाद ये विधिवत जो शिक्षा इन्होंने ली कला की, वो कहाँ से प्राप्त की, वह प्राप्त की मुंबई के सर जे स्कूल ऑफ आर्ट्स में प्रवेश लिया। वहाँ से उन्होंने क्या किया, कला की जो संपूर्ण शिक्षा वहाँ से उन्होंने प्राप्त की। ठीक है, और 1938 में दोस्तों ये वहाँ से डिप्लोमा परीक्षा उत्तीर्ण की, मतलब डिप्लोमा वहाँ से वो कर लिए। ठीक, 1938 ईस्वी में। आरंभिक जीवन के बारे में देख लेते हैं दोस्तों, 1940 ईस्वी के पश्चात हैबर ने पश्चिमी प्रभाववाद आदि शैलियों को छोड़ना आरम्भ कर दिया था। ठीक है, यह 1940 ईस्वी के पश्चात हैबर ने पश्चिमी प्रभाववाद जो शैली थी उनको छोड़ना प्रारंभ कर दिया। ठीक है, उन्होंने नए प्रयोग किए और मुंबई से डिप्लोमा प्राप्त करने के पश्चात कुछ समय तक उन्होंने पेरिस अकादमी ऑफ जूलिया में भी 1948-1950 में क्या की, शिक्षा उन्होंने ग्रहण की थी। ठीक है, भारत लौटने पर उन्होंने जे स्कूल ऑफ आर्ट में शिक्षण कार्य भी किया था। ठीक है, कब दोस्तों, वो जब वहाँ से पेरिस से आपकी शिक्षा लेकर के आते हैं भारत, तब वो जे स्कूल ऑफ आर्ट में वहाँ पे अपना शिक्षण कार्य करते हैं। ठीक, तत्पश्चात वे एक व्यवसायिक चित्रकार बन गए। ठीक, और अगला पॉइंट देख लेते हैं इनका। अगला पॉइंट क्या कह रहा है, हैबर का आरंभिक रेखांकन लयात्मकपूर्ण और रोमांटिक भावना उत्पन्न करने वाला है। ठीक दोस्तों, कैसा है, लयात्मकपूर्ण रोमांटिक भावना उत्पन्न करने वाला है। जीवन के विविध कार्यों में लगे लोगों का उन्होंने गतिपूर्ण रेखांकन किया। ठीक है, अगला पॉइंट देख लेते हैं दोस्तों क्या कह रहा, के हैबर पर अमृता शेरगिल और फ्रेंच चित्रकार पॉल गॉगिन का प्रभाव था। ठीक है दोस्तों, किसका था, अमृता शेरगिल और ये पॉल गॉगिन का इन पर प्रभाव था, इनके चित्रों पर। ठीक है, अमृता शेरगिल से प्रभावित होकर इन्होंने क्या किया था, तैल माध्यम में अजंता जैसी रेखाएं और गाढ़े रंग से चित्र बनाए थे। ठीक है, और अगला हमारा पॉइंट क्या कह रहा, हैबर ने व्यक्ति चित्र, भित्ति चित्र, सृजनात्मक दृष्टांत चित्र भी बनाया। ठीक है दोस्तों, उन्होंने व्यक्ति चित्र भी बनाया था, भित्ति चित्र भी और सृजनात्मक दृष्टांत। ठीक है, इन्होंने कैबिनेट चित्र, भित्ति चित्र ही अधिक बनाए हैं और हजारों रेखांकन किए हैं। ठीक दोस्तों, ये भित्ति चित्र ज़्यादा ही इन्होंने, कैबिनेट चित्र और भित्ति चित्र इन्होंने ज़्यादा बनाया। ठीक है, उनकी रूप योजना मूलतः क्या है, भारतीय है। ठीक है, उनकी रूप योजना मूलतः क्या है, भारतीय है। उनकी रेखाएं शास्त्रीय होते हुए भी रूढ़ नहीं है, अलंकृत होते हुए भी किसी की अनुकृति नहीं है। ठीक है, ये सभी इनकी क्या ही, इनके कला, इनकी चित्र की जो विशेषताएं हैं। ठीक है, हैबर चित्रांकन के समय संयोजन का बहुत ध्यान रखते थे और भारतीय चित्रकला, भारतीय मूर्तिकला के संयोजनों को अपना आदर्श मानते थे। ठीक है, चलते हैं इनके चित्र शीर्षकों पर, इनके प्रमुख चित्र क्या हैं। ठीक है, हैबर की कला में रंगों की कतूहल भरी झलक है, साथ ही मानव आकृतियाँ भी निर्दिष्ट एवं स्थिर पद्धति में है। ठीक है, उनके चित्रों के विषय में जनसाधारण के व मानवीय सौंदर्य के दर्शन होते हैं। ठीक है, अब देख लेते हैं दोस्तों इनके जो प्रमुख चित्र हैं उनको। ठीक है,
प्रवाह, पर्वतधारा, श्रद्धा, अज्ञात की ओ, ठीक है, खोज, संगीत, अन्वेषण, होली, दीपावली, अजंता, मुर्गों की लड़ाई, माँ बेटी, श्रमिक, मवेशी हाट, धूप, दीप्ति, पनघट, मेरी, यमुना पार, सांझ, नरजीवन, सुंदर और लाल जाड़े की रात, ये भी इम्पोर्टेंट है, सुंदर और लाल जाड़े की रात, विवाह उत्सव, आकाश आदि, इतने इनके क्या है दोस्तों, प्रमुख चित्र हैं। ठीक है, ठीके? आपके द्वारा चित्रित, अगला पॉइंट देख लेते हैं दोस्तों, आपके द्वारा चित्रित दक्षिण भारत के हाट बाजार के चहल पहल भरे दृश्य कनों के सुकुमार, ठीक, संयत रंगों का निखार व परिधि की रेखाएं आश्चर्यजनक है। ठीक है दोस्तों, ये किसकी विशेषता बता रहा है, ये इस चित्र की। ठीक है, अब इनकी रंग और रेखाएं देख लेते हैं दोस्तों, किस तरह की रंग और रेखाओं का यूज करते हैं। देखिए, हब्बर के प्रिय रंगों में लाल, गहरा भूरा, नीला और पीला हरा, पीकॉक ब्लू है। ठीक है दोस्तों, जिनका प्रयोग अपने चित्रों में बहुलतया से करते थे। ठीक है, प्रकाश व छाया संयोजन से मुक्त यह रंग वंदलय उनके चित्रों में प्रवाहित है। ठीक है, उनके रेखा चित्रों में काव्यात्मक लय अत्यंत प्रखर है। ठीक है, जैसे जैसे इनकी कला अग्रसर हो रही है, वैसे वैसे इनकी क्या रंग व रेखांकन पद्धति अत्यंत सुहावनी और सरल होती रही। ठीक है, उनकी संकल्पना रंगों व आकारों पर अपना पूर्ण नियंत्रण रखती थी। उन्होंने रंगों के मनोवैज्ञानिक पक्ष को लेकर रंग विधान प्रस्तुत किया था। ठीक है, अब देख लेते हैं ये कौन कौन से पुरस्कार और सम्मान प्राप्त किए थे दोस्तों। के हब्बर के मौलिक सृजन को शीघ्र ही सामाजिक मान्यता मिल गई। समय अंतराल से अनेक छोटे बड़े पुरस्कार मिलते रहे जिन्होंने इन्हें निरंतर इस क्षेत्र में जुड़े रहने की शक्ति प्रदान की। ठीक है दोस्तों, उनको जैसे जैसे बड़े छोटे पुरस्कार मिलते गए तो उनमें क्या आ गया, मोटिवेशन आ गया, ठीक है, उत्सुकता आ गई और वो कार्य करने के लिए अग्रसर हो गए। ठीक है, सन 1941 ईस्वी में कोलकाता की ललित कला अकादमी का स्वर्ण पदक कब जीता था उन्होंने, कब उनको मिला था, 1947 ईस्वी में मुंबई आर्ट सोसाइटी, ठीक है, 1947 में, और मुंबई आर्ट सोसाइटी का स्वर्ण पदक, ठीक है, उन्होंने जीता। भारत स्वतंत्र होने के बाद केंद्र सरकार की ओर से प्राप्त सम्मान व 25,000 रुपये पुरस्कार ने उनका उत्साह बढ़ाया। ठीक है, ये भारत सरकार द्वारा दिया गया था। ठीक है, इसके अलावा उन्हें सन 1955 में राष्ट्रीय ललित कला अकादमी नई दिल्ली द्वारा भी पुरस्कृत किया गया। ठीक है, के हब्बर को पद्मश्री, देखिए ये दोस्तों इंपॉर्टेंट है, पद्मश्री कब दिया गया, 1961 में, और पद्म भूषण 1989। ठीक है, और महाराष्ट्र शासन द्वारा गौरव पुरस्कार इनको मिला था कब, 1990 ईस्वी में इनको मिला था। ठीक है, अब प्रदर्शनियां देख लेते हैं, इनके चित्रों की जो प्रदर्शनियां लगी थी कहाँ कहाँ कैसे लगी थी। 1945 ईस्वी में व सन 1949 ईस्वी में इनका जो मुंबई में अपनी विशिष्ट कला प्रदर्शनियां आयोजित की गई। ठीक है दोस्तों, कहाँ, मुंबई में, कब, 1945 व 1949। ठीक है, आधुनिक कला का प्रतिनिधित्व करने वाले पेरिस के कला संग्रहालय में साधु नामक अपनी कलाकृति को प्रदर्शित किया, कौन सा, कहाँ, पेरिस के कला संग्रहालय, कौन सा इनका जो चित्र था, साधु नामक, ठीक है, उसको वहाँ पे प्रदर्शित किया, जिससे वहाँ के लोग अत्यंत प्रभावित हुए और उन्हें एशिया के महान कला परंपरा का संवाहक घोषित किया गया। ठीक है दोस्तों, सन 1951 ईस्वी में पेरिस की एक कला प्रदर्शनी में भाग लिया और जहाँ पिकासो, रोजर और लेजर आदि महान कलाकारों से इनकी भेंट हुई। ठीक है दोस्तों, यूरोप के अन्य देशों में भी इनकी कला की प्रशंसा हुई। ठीक है, तो इनकी जो मृत्यु हुई थी वो हुई थी 1996 में, इनकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है दोस्तों, 1900 शुरू करते हैं, इनसे संबंधित जो भी प्रश्न बनते हैं, ठीक है, अभ्यास प्रश्न कर लेते हैं। ठीक है, पहला हमारा प्रश्न है, हब्बर द्वारा निर्मित चित्र मुर्गों की लड़ाई कहाँ संग्रहित है। तो दोस्तों, ये संग्रहित है आपका कहाँ पे, ये संग्रहित है आपका चंडीगढ़ में। ठीक है दोस्तों, चंडीगढ़ यानी ऑप्शन नंबर हमारा डी सही जवाब है। ठीक है, मुर्गों की लड़ाई चंडीगढ़ में संग्रहित है। ठीक है, के हब्बर का देहावसान कब हुआ था दोस्तों, के हब्बर की मृत्यु कब हुई थी, तो के हब्बर का देहांत हुआ था सन 1996 में। ठीक है, सन 1996 में। ठीक, अगला हमारा प्रश्न क्या है दोस्तों, देखते हैं, के हब्बर किस वर्ष ललित कला अकादमी नई दिल्ली के अध्यक्ष बनाए गए थे। तो दोस्तों, जब बनाए गए थे 1980 से 1984 के बीच ललित कला अकादमी के अध्यक्ष बनाए गए। ठीक है, के हब्बर को किस वर्ष भारत द्वारा पद्मश्री सम्मान दिया गया था दोस्तों। तो दोस्तों, इनको जो पद्मश्री सम्मान दिया गया था वो कब दिया गया था, तो दिया गया था इनको 1961 में। ठीक है, 1961 में इनको पद्मश्री अवार्ड दिया गया था। ठीक है, ललित कला अकादमी नई दिल्ली द्वारा के हब्बर को कितनी बार पुरस्कृत किया गया है। तो दोस्तों, इनको 3 बार पुरस्कृत किया गया। कितनी बार, इनको 3 बार ललित कला अकादमी नई दिल्ली द्वारा इनको पुरस्कृत किया गया। ठीक है,
इनमें से कौन क्या क्या बैर द्वारा निर्मित चित्र ललित कला अकादमी नई दिल्ली में है? तो दोस्तों नई दिल्ली में कहाँ पे ललित कला अकादमी, दोस्तों इसमें ये ऑप्शन बना लीजिए, ये नहीं होगा ऑप्शन, ये बना लीजिए माहिम दरगाह, ठीक है, ये माहिम दरगाह ये ऑप्शन कर लीजिए। तो इनका जो ललित कला अकादमी द्वारा जो वो किया गया था वो कौन सा चित्र है? माहिम दरगाह, ठीक है, ऑप्शन नंबर हमारा डी सही जवाब है, ठीक है। कहाँ संग ललित कला अकादमी में दिल्ली में कौन सा निर्मित है? वो माहिम दरगाह है, ठीक है। चलते हैं अगला प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या है? राष्ट्रीय आधुनिक संग्रहालय नई दिल्ली में संग्रहित चित्र जो है क्या है? बांग्लादेश, किस माध्यम में बना है? तो दोस्तों ये बना है तैल रंग माध्यम में बना है, ठीक है, तैल रंग। के के हब्बार का चित्र कविता का जन्म कहाँ संग्रहित है दोस्तों? तो ये संग्रहित है दोस्तों कहाँ? नई दिल्ली में, ठीक है, नई दिल्ली में संग्रहित है, ठीक है। दिए गए चित्रों में कौन सा चित्र के हब्बार द्वारा निर्मित नहीं है? तो दोस्तों इसमें एट वर्ली कैप्स है, रिक्शा चालक है, क्रिस्ट का विराट रूप है, लेकिन सुजाता इनका चित्र नहीं है, ठीक है, और इसलिए ऑप्शन हमारा सुजाता सही हो जाएगा, ठीक है। के हब्बार के चित्रों पर किसका प्रभाव है दोस्तों? तो के हब्बार का जो प्रभाव रहा दोस्तों वो रहा पॉल गॉगिन और अमिता शेरगिल जी का, इन पर प्रभाव रहा, ठीक है। के हब्बार के चित्र की पहचान कीजिए दोस्तों। माँ और शिशु इनका चित्र है, ठीक है, माँ शिशु है, और देख लेते हैं, और रंग पंचमी है, निर्माण गृह है, मतलब इनमें से तीनों इनका है, तो ये ऑप्शन नंबर ये सही है, ठीक है। देख लीजिए कौन कौन सा, माँ और शिशु, रंग पंचमी और गृह निर्माण, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा हब्बार द्वारा बनाया गया चित्र है? तो दोस्तों इमारत बनाने वाले, बेगर्स, मछुआरे, ये सभी इनके क्या हैं? इनके द्वारा बनाया गया चित्र है, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। वर्ष 1996 में के हब्बार के चित्रों का संकलन किसके द्वारा किया गया? तो दोस्तों के हब्बार के चित्रों का जो संकलन किया गया है वो किया गया है मुल्कराज आनंद द्वारा, ठीक है। के हब्बार ने किस वर्ष आर्ट नाउ इन इंडिया में भाग लिया था? तो दोस्तों इन्होंने भाग लिया था, कब भाग लिया था? तो इन्होंने भाग लिया था 1965 में, ठीक है, 1965 में इन्होंने भाग लिया था, ठीक है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। के हब्बार के चित्रों की पहचान कीजिए। दोस्तों सुनहरे गुलाब इन्हीं का चित्र है, रिफ्यूजी भी है, मुर्गों की लड़ाई भी है, यानी ऑप्शन नंबर डी इनमें सभी, ठीक है, ये सभी सही हो जाएगा। के हब्बार ने कहाँ शिक्षण कार्य किया था? तो के हब्बार ने जे कॉलेज ऑफ आर्ट मुंबई से इन्होंने शिक्षा प्राप्त करी थी, ठीक है, तो मुंबई सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। के हब्बार के 1975 से 93 किस देश की अकादमी आर्ट्स के सदस्य रहे? दोस्तों वो रहे थे किसके? तो वो रहे थे जर्मनी के, ठीक है, जर्मनी के रहे थे, ठीक। किस देश के अकादमी जूलिया में के हब्बार ने अध्ययन किया था? तो दोस्तों इन्होंने किया था पेरिस के, ठीक है, पेरिस के अकादमी जूलिया में इन्होंने अध्ययन किया था, ठीक है। के हब्बार ने कला शिक्षा कहाँ से प्राप्त की थी? तो इन्होंने कला शिक्षा प्राप्त की थी दोस्तों जे मुंबई से प्राप्त की थी, ठीक है, ऑप्शन नंबर हमारा सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। के हब्बार का जन्म कहाँ हुआ था दोस्तों? तो के हब्बार का जो जन्म हुआ था वो हुआ था कर्नाटक में, कर्नाटक के मैसूर के गाँव में हुआ था, ठीक है। के हब्बार का पूरा नाम क्या था दोस्तों? के हब्बार का पूरा नाम है कटिंगरी कृष हैब्बर, ठीक है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, फिर हम अगले नेक्स्ट वीडियो में आपके सामने एक नए कलाकार को लेकर आएंगे, ठीक है, इसी तरह। तो दोस्तों आपको मेरा सेशन कैसा लग रहा है आप ज़रूर बताइएगा, इसी तरह हमारे चैनल पर बने रहिए, और यदि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए दोस्तों तो अभी सब्सक्राइब कर लें ताकि हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक आसानी से मिलता रहे, ठीक है। और हाँ दोस्तों, अगर आप PDF चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, ठीक है। तो दोस्तों चलते हैं, धन्यवाद।